हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे कॉन्सेप्ट क्लास के यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज के स्टूडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे आपकी एसएससी की जीडी के एग्जाम में 14 फरवरी को फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड तीनों ही शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस को यहाँ पर सबसे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और अभी तक आपने हमारे अकाउंट पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर दीजिए। हिंदी और सामान्य ज्ञान के पूछे गए क्वेश्चंस को मैंने अनअकैडमी पर डिस्कशन किया, तो इन क्वेश्चंस को मैं वहीं पर बता रहा हूँ। लगभग 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स का पूरा फायदा उठा रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जाइए, फेसबुक पेज को लाइक करिए, वीडियो पसंद आता चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन करिएगा दोस्तों, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। देख लीजिए यहाँ पर मैथ में पूछे गए क्वेश्चन मैंने अनअकैडमी पर डिस्कशन किए, सामान्य ज्ञान के भी डिस्कशन किए, और आपको मैं हिंदी का कुछ ओवरव्यू दिखा देता हूँ। देख लीजिए हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी मैंने अनअकैडमी पर डिस्कस किए। देख लीजिए यहाँ पर आप इसको पीडीएफ भी मिल जाएगी अनअकैडमी से, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, तो वहां पर जाइए। अगर आप हिंदी के क्वेश्चन देखना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी पर जाकर देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया था कि सऊदी अरब की राजधानी क्या है। तो दोस्तों सऊदी अरब की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी रियाद हो जाएगी। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि सऊदी अरब की जो करेंसी है या मुद्रा है उसको आपको कमेंट्स में कमेंट्स करके बताना है कि सऊदी अरब की मुद्रा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग जो होता है आपका 332 मीटर सेकेंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। तो आर्य समाज के जो संस्थापक थे वो थे स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है। तो मानव विकास संसाधन मंत्री आपके हो जाएंगे प्रकाश जावड़ेकर। दोस्तों ये क्वेश्चन तीसरी बार रिपीट हो रहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है या मानव विकास संसाधन मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर इस राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा गया था, अगला क्वेश्चन की सलाल परियोजना किस नदी पर है। तो सलाल परियोजना आपकी हो जाएगी चिनाब नदी पर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है। तो बटरफ्लाई शब्द का संबंध जो है वो है आपका तैराकी से है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब एनसीसी के महानिदेशक कौन है। तो एनसीसी के जो महानिदेशक है वो होंगे पीपी मल्होत्रा। कौन हो जाएंगे, पीपी मल्होत्रा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा था कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है आपका ऊर्जा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहां पर स्थित है। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो है आपका ये हैदराबाद में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हैदराबाद इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो थे आपके जीके करंट अफेयर्स और कुछ साइंस के क्वेश्चन जो कि आपकी थर्ड शिफ्ट में पूछे गए थे। अब यहाँ पर हम आगे इसमें देख लेते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट तीनों ही शिफ्टों का यहाँ पर कंबाइंड जीके मैथ और रीजनिंग और जिस करंट अफेयर्स के सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों बैकग्राउंड नॉइज के लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि कबड्डी विश्व कप 2016 किसने जीता था। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कबड्डी विश्व कप 2016 किसने जीता था, तो ये जीता था भारत ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पालक की पत्तियों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पालक की पत्तियों में जो है वो विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम की खोज कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपके डिगबोई में। डिगबोई कहाँ पर है, ये असम में है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि असम की राजधानी, देखिए दोस्तों ये जो डिगबोई जो है ये आपका असम राज्य में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि असम की जो है वो यहाँ पर कैपिटल आपको कमेंट्स करके कमेंट्स के बताना है कि असम की जो है वो राजधानी क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है तीसरी बार रिपीट हुआ है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है, तो ये हो गया 57। अगला क्वेश्चन पूछा था कि ताप मापने की इकाई क्या है। तो ताप मापने की इकाई जो हो जाएगी आपकी केल्विन हो जाएगी। दोस्तों बहुत से क्वेश्चन जो है वो एज इट इज रिपीट हो रहा है, तो एटलीस्ट आप एनालिसिस तो डेली का डेली ही और हर शिफ्ट का देखिए, क्योंकि यहां से आपको डेफिनेटली अगर आपका आने वाले समय में एग्जाम है तो यहां से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मणिपुर की राजधानी क्या है। तो मणिपुर की जो राजधानी वो है इम्फॉल है। क्या है, इम्फॉल। अब यहाँ पर आपको एक काम करना है कि मणिपुर के जो सीएम है और जो गवर्नर है उन दोनों का ही नाम आपको कमेंट्स करके कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का पूछा गया था कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है। तो सार्क का जो मुख्यालय हो जाएगा वो आपका काठमांडू में हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व खाद्य दिवस आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो दोस्तों ये तो थे आपके जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और कुछ साइंस के क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले वो सारे ही क्वेश्चंस मैंने आपके सामने यहाँ पर डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैथ में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि 2 की पावर x + 6 = 8 की पावर x + 1 हो तो x की मान आपको यहाँ पर बताना या x की वैल्यू आपको बताना। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके
आपके आने वाली शिफ्ट में भी देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको किस तरीके से सोल्व करना है आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। यहाँ पर क्या बोला है कि 2 की पावर क्या है, यहाँ पर x प्लस 6 है, बराबर क्या है यहाँ पर 8 की पावर है x प्लस 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बेस 2 दिया हुआ है, यहाँ पर बेस 8 है, तो यहाँ पर आप बेस 2 बना लीजिए। तो देखिए यहाँ पर तो ऑलरेडी आपको क्या पता है कि 2x की पावर 6 बराबर, अब आप 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को आप लिख सकते हो यहाँ पर 2 की पावर 3 लिख सकते हो, क्योंकि 2 की पावर 3 लिखोगे तो क्या बनेगा 8 ही बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे करेंगे, 2 की पावर x प्लस 6 बराबर, देखिए यहाँ पर ये 3 का मल्टीप्लाई पूरे x प्लस 1 में होगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई x में होगा तो कितना हो जाएगा 3x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखिए जब भी आपके बेस सेम होना तो घाते भी क्या होती है, समान होती, बराबर होती, मतलब आपका बेस बराबर हो या समान हो तो घाते क्या होती है, इक्वल होती। तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो घाते भी क्या होगी, बराबर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा ये 3x प्लस कितना हो जाएगा 3, क्योंकि जब भी आपका बेस बराबर होता है तो घाते भी क्या होती है, सेम होती है। तो यहाँ पर देखिए आप x की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए आप x इधर है तो इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये 3 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो क्या बच जाएगा 3, मतलब 2x बराबर यहाँ पर 3 आ गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3/2। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होने वाला था वो क्या होता 3/2, जो एक्स की जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। या तो ऑप्शंस आपको 3/2 दिया होगा, या फिर ये दिया होगा 1.5 दिया होगा, या फिर ऐसे भी दिया हो कि 1/1/2, मतलब एक सही 1/2। तो जो भी आपका ऑप्शन था उसी के अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को टिक करना था और आगे चलना था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा 3/2 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 240 हो तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये आपको यहाँ पर क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या गिवन है, एलसीएम आपको पता है कि 240 है और रेशियो यहाँ पर दो संख्याओं का क्या है 3:4 है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ये फर्स्ट संख्या होगी, ये क्या हो गई सेकेंड, इनका आपको रेशियो पता है क्या है 3:4 है और इनका आपको क्या गिवन है कि एलसीएम पता है आपको जो की है 240, ये क्या है एलसीएम है। अब आपको यहाँ पर रेशियो का भी क्या करना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि यहाँ पर आपको एलसीएम गिवन है 240। तो देखिए 3 और 4 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा 4×3 = 12, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, मतलब इन दोनों का भी एलसीएम कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पर सेम यूनिट बन गई, तो आपको क्या करना है कि 240 को डिवाइड किससे करना है 12 से, और लास्ट में क्या बोला है कि छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी मतलब जो रेशियो में छोटा होगा, मतलब यहाँ पर आपको 3 की वैल्यू पूछी गई है तो मल्टीप्लाई आप 3 कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। तो 12 से 220 को डिवाइड करोगे तो 20 बार डिवाइड होगा, फिर 20×3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 40, तो यहाँ पर 20×3 कितना हो जाएगा 60। तो यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या निकल के आती है वो क्या हो जाती है आपकी 60 हो जाती है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने का भी तरीका अपना सेम ही होगा, क्या होगा यहाँ पर 240 को आपको डिवाइड करना है किससे 12 से, लेकिन मल्टीप्लाई किसका कर लेना इस बार 4 का। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 20×4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 80। तो अगर बड़ी संख्या पूछता तो 80, छोटी संख्या पूछता यहाँ पर तो कितना निकला 60। फिलहाल इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या हो जाएगा 60 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 25/2 या 25/2 का x परसेंट 150 है तो x का मान आपको क्या करना है यहाँ पर ज्ञात करना है। परसेंटेज का क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है कि यदि 25/2 का x प्रतिशत, तो देखिए सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या बोला है यहाँ पर 25/2 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, का मतलब मल्टीप्लाई x परसेंट, तो यहाँ पर क्या होगा x और परसेंटेज में हटेगा तो क्या होगा डिवाइड में 100, कितना है बराबर 150 है। तो आपको क्या करना है कि ये जो x की वैल्यू है वो आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि सबसे पहले जो आपको कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए, तो देखिए 25 से एक टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये क्या होगा 25 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा x बटे कितना हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 150। तो देखिए ये डिवाइड में तो बराबर किधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 150 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8। तो बस आपको यहाँ पर क्या करना था मल्टीप्लाई कर लेना था, तो देखिए 0 हो जाएगा, 15 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, तो 15×8=120, तो यहाँ पर कितनी x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी 1200। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको इसी तरीके से एग्जाम में बहुत ही जल्दी सोल्व करना है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा कि जो x का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा 1200 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक दुकानदार ने 1 रुपए में 12 टॉफी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टॉफी किस दर से बेची। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि एक दुकानदार ने 1 रुपए में 20 टॉफी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टॉफी किस दर से बेची। तो यहाँ पर आपको बोला है कि क्या बोला है कि 1 रुपए में
12 टॉफी, 12 टॉफी खरीद कर, मतलब ये क्या है कॉस्ट प्राइस है, वो क्या कर रहा है कि 20% के प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट का जो परसेंट है वो कितना 20% के प्रॉफिट पर बेच दी, तो पता उसने किस दर से टॉफी बेची है, तो ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो दोस्तों आप सभी को पता है, जैसा कि मैंने बताया था कि जब भी लाभ बोले वृद्धि बोले तो आपको 100 में जोड़ के लिखना है, ये आपको हमेशा याद ही रखना है। 1 रुपए में कितनी टोपी बेच रहा है वो 12, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से लिखना है कि 1 के बटे में क्या लिखना है 12 लिखना है। उसके बाद 20% के लाभ पर बेचिए, तो मल्टीप्लाई आप कर लीजिए 120 और परसेंट हटेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 बस, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो क्या होगा कि 12 से इसको कैंसिल करोगे तो 10 बार कैंसिल होगा, 10 से 10, तो व्यक्ति क्या करेगा कि 1 रुपए में 10 टोपी बेचेगा, तब जाके उसको क्या होगा यहाँ पर कि 20% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा भी क्या है कि तो बताओ उसने टोपी किस दर से बेची, तो 1 रुपए की 10 टोपी बेचेगा और 1 रुपए की कितनी खरीदेगा 12 खरीद कर 10 बेचेगा, तब जाकर उस व्यक्ति को क्या होगा कि 20% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सही आंसर क्या होगा कि 1 रुपए में 10 टोपी बेचेगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको अच्छे से बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला था कि एक दुकान ने 1 रुपए में 12 टोपी खरीद कर 20% लाभ पर बेच दी, तो बताओ उसने टोफी किस दर से बेची, तो हमने यहाँ पर लिख लिया कि 1 रुपए की 12 टोफी बेची। क्लियर है, 20% का प्रॉफिट है। मैंने आपको बताया कि जब भी प्रॉफिट बोले या लाभ बोले ज्यादा बोले वृद्धि बोले तो आपको 100 में जोड़कर लिखना है, तो यहाँ पर इसको लिखना है कैसे कि 1 के बट्टे में 12 लिखना है, मल्टीप्लाई 20 जोड़ेंगे तो कितना होगा 120 और परसेंट हटेगा तो डिवाइड में कितना हो जाएगा 100, तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा कि 1 रुपए में 10 टोपी बेचेगा तब जाके 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होता है कि 1 रुपए में 10 टोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, मतलब आपसे पूछा गया है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं को क्या बताना है आपका एवरेज बताना है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या होती क्या है, अभाज्य संख्या मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया था कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 होती है, ये आप याद रखिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स 0 टिक कर देते हैं 1 टिक कर देते हैं जो कि एकदम गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है। अब यहाँ पर मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि यहाँ पर पूछा गया कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो देखिए पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, तीसरी क्या हो जाएगी यहाँ पर 5 हो जाएगी, चौथी क्या हो जाएगी यहाँ पर 7 हो जाएगी और पांचवी क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी। अब यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स के मन में डाउट आ रहा होगा कि 9 क्यों नहीं लिया, तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है जिसके केवल और केवल 2 डिवाइड होते हैं, मतलब अगर मैं 2 की बात करूँ तो देखिए 2 को मैं सिर्फ 2 से डिवाइड कर सकता हूँ या 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, 1 से डिवाइड कर सकता हूँ, इसके अलावा आप 2 को किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते। तो मतलब अभाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल और केवल 2 डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर या तो खुद से डिवाइड होती है या 1 से डिवाइड होती है, मतलब अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो अभाज्य संख्या वह संख्या जो खुद से डिवाइड होती है और केवल 1 से डिवाइड होती है। तो देखिए 2 क्या है, खुद से डिवाइड होगा मतलब खुद 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। उसी प्रकार से 3 भी ये है अभाज्य संख्या, 5 भी, 7 भी, लेकिन 9 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये विषम संख्या तो है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्यों नहीं, क्योंकि देखिए 3 से भी डिवाइड है, 9 से भी डिवाइड है और 1 से भी डिवाइड है, मतलब यहाँ पर तो 3 से डिवाइड है, मतलब 1, 9 और 3, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब आपको पता चल गई कि 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो देखिए ये हमने 5ों लिख ली, अब इनका आपको औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो आप बस इसका योग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर योग करेंगे तो क्या होगा 2 + 3 कितना होगा 5 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। उसके बाद 10 में अगर आप 11 जोड़ोगे तो कितना होगा 21, 28 में 7 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 28 और डिवाइड में क्या हो जाएगा टोटल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो टोटल कितने नंबर है 5 है। तो बस यहाँ से इसको आपको सोल्व कर लेना था, तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो 5 से 25 बचेंगे 3, भाग नहीं जाएगी उसकी 0, 5 × 36, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा यहाँ पर 5.6 क्या हो जाएगा यहाँ पर प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात आपको हमेशा याद रखनी कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आने वाली एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या, एटलीस्ट ये तो आप याद रखिए। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा कि 5.6 एवरेज। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि रेड फ्लैग संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच में हुआ है, तो रेड फ्लैग जो संयुक्त अभ्यास है ये भारत और अमेरिका 2 देशों के बीच में हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत इजी था कि गेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो गेंगा रोग जो है वो आपका आयोडीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल का जो विभाजन है वो किसके द्वारा किया गया था, तो बंगाल का जो विभाजन है वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया था कि निर्मल भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो निर्मल भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो हो जाएंगे आपके विद्या बालन हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे विद्या बालन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो बेरी बेरी नामक रोग जो है आपका विटामिन B1 की कमी के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि होम रूल लीग के संस्थापक कौन है, तो होम रूल लीग के जो संस्थापक है वो है लोकमान्य तिलक, सही आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय कहाँ है, मतलब कॉमनवेल्थ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो राष्ट्रमंडल अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जो मुख्यालय हो जाएगा वो आपका लंदन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन से कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था, तो जैव विकास को जो है सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था, किसने समझाया था, लेमार्क ने। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो गेटवे ऑफ इंडिया की जो आपकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1924 में। इसकी क्या हो गई थी दोस्तों, स्थापना हो गई थी। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये कहाँ पर स्थित है या किस राज्य में है या कहाँ पर है, ये आपको कमेंट्स के द्वारा कमेंट्स करके बताना कि गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना मैंने आपको बता दी है 1924 में, अभी ये कहाँ पर है ये आपको कमेंट्स के द्वारा बताना। दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करिए क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर कमेंट्स नहीं करते, तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके बताना था। तो ये तो थे आपके जीके के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ साइंस के क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम देख लेते कि मैथ में जो है वो किस प्रकार के या किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अंडर रूट 1 + x / 144 बराबर 13/12 हो, तो x की वैल्यू आपको क्या करनी है यहाँ पर फाइंड करनी है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपके रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम में बहुत देखने को मिल रहा है, मतलब सिंप्लीफिकेशन से इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि अंडर रूट 1 + x / कितना है 144 इज इक्वल टू 13/12 है। तो देखिए यहाँ पर जब भी अंडर रूट होता है तो बराबर के इधर हम ले जाते तो क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 + x / कितना हो जाएगा 144 और बराबर में कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 13/12 और इस पूरे की क्या हो जाएगी पावर 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए वर्गमूल बोला है तो 2 है, यहाँ पर कुछ नहीं होता है जब यहाँ पर क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कर लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 + x / कितना हो जाएगा 144 बराबर 13 कितना होता है 169 होता है और 12 कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ज्ञात क्या करना है, x की वैल्यू, तो x की वैल्यू यहाँ से आप निकाल सकती है। देखिए यहाँ पर प्लस का 1 है, अगर मैं इसको बराबर के इधर के लेके आऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा x / 144 बराबर कितना हो जाएगा 169 डिवाइड में कितना हो जाएगा 144 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब या तो आप एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो या फिर ये कर सकते हो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लिए, तो देखिए 144 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या होगा, मैं इधर कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर क्या बच जाएगा x / बच जाएगा 144 बराबर यहाँ पर बचेगा 169 माइनस कितना हो जाएगा 144, क्योंकि यहाँ पर 144 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे और डिवाइड में कितना हो जाएगा 144। इतना समझ में आया, बस यही से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो डिवाइड में 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद बचेगा क्या x बराबर यहाँ पर माइनस कर लीजिए इन दोनों का डिफरेंस, तो 9 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 5 बच जाएंगे, 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 2 बच जाएंगे और 1 में से 1 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा 0। तो x की जो वैल्यू निकल के आती है इस क्वेश्चन में आपकी वो क्या हो जाती है 25। तो इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होने वाला था वो कितना हो जाएगा 25 इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लाभ हानि का क्वेश्चन था कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत आपको यहां पर क्या करना है फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस बहुत समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हो कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है मतलब सेलिंग प्राइस जो है उसके कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का 8/5 गुना है, तो लाभ प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखिए अब यहाँ पर आपको ना तो क्रय मूल्य दिया हुआ है और ना ही सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लेकिन आपको बोला क्या गया है कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 8/5 है, तो या तो एक काम करिए कि आप कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम कितनी है कि 100 रुपए है, क्लियर है। अब हमने मान लिया कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए, तो सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस का कितना है 8/5 है। तो देखिए आपको यहाँ पर पता है कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो यहाँ पर सीपी की जगह क्या वैल्यू रख दूँ, मैं 100 वैल्यू रख दूँ, 100 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8/5, तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से क्या निकल के आएगी आपकी सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगी। तो देखिए 5 से कैंसिल करेंगे तो कितनी बार कैंसिल हो जाएगा 20 बार कैंसिल हो जाएगा, 20 गुणे में कितना होगा 8, तो कितना हो जाएगा 160, ये क्या आ गई आपकी सेलिंग प्राइस। अब देखिए क्रय मूल्य आपका हमने माना था 100 रुपए, विक्रय मूल्य निकल के आया 160 रुपए, तो यहाँ पर आपका लाभ कितना हो गया, जो यहाँ पर आपका लाभ निकल के आया वो कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया, 60 रुपए का प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। अरे आप कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदते हो और उसको 160 रुपए में बेचते हो तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पर 60 रुपए हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है कि परसेंटेज में प्रॉफिट ज्ञात करना है, तो देखिए यहाँ पर 100 रुपए की वस्तु को आप 160 रुपए में बेचोगे तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर कितना परसेंट निकल के आ रहा है 60% आ रहा है आंसर,
और जैसे कई बार वैल्यू ऐसी रहती है जो आपको डायरेक्ट नहीं मिलती है, तो वहां पर आपको ये फॉर्मूला पुट करना है कि प्रॉफिट बराबर होता है, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होता है कि प्रॉफिट डिवाइड में क्या होता है कॉस्ट प्राइस, और गुणे क्या हो जाता है यहाँ पर 100। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब इस क्वेश्चन में तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर पता चल गया कि 100 रुपए की वस्तु को 160 रुपए में बेच रहे हो, तो यहाँ पर 60% का प्रॉफिट है। लेकिन बहुत बार ऐसे क्वेश्चन में आपकी ऐसी एकदम वैल्यू नहीं देखने को मिलती जहां पर आप डायरेक्ट बता सको कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा। तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट परसेंट ज्ञात करना है, चाहे लॉस परसेंट या हानि परसेंट ज्ञात करना हो, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस डिवाइड में आता है। बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर सेलिंग प्राइस को डिवाइड में कर देते, जो कि बिल्कुल गलत होगा। तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट आपका कितना है 60 है, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ पर 100 है, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी फॉर्मूले में वैल्यू भी पुट करोगे तो कितना आंसर निकल जाएगा, प्रॉफिट परसेंट 60%। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही आंसर होने वाला था कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो कितना हो जाएगा 60% इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। यहाँ पर बट्टे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि 50% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किस तरीके से सोल्व करना है, देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई वस्तु जो थी वो कितनी थी 100 रुपीज थी। अब यहाँ पर आपको देखो डिस्काउंट बोला है, कमी बोला जाए, तो यहाँ पर आपको 100 में से माइनस करना है जब भी परसेंटेज की बात हो। तो देखिए यहाँ पर 50% और 10% का समतुल्य बट्टा, बट्टा मतलब क्या होता है डिस्काउंट, तो 100% में से अगर मैं 50% माइनस कर लूँ तो कितना बच जाएगा 50, और परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर फिर 10% का डिस्काउंट बोला है, तो 100 में से फिर माइनस कर लिए तो कितना हो जाएगा 90, और परसेंट हटेगा तो डिवाइड में क्या हो जाएगा 100। बस ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 1 2 टाइम 0 से 2 टाइम 0, 5 गुणे में कितना हो जाएगा 9, तो कितना निकल के आएगा 45। लेकिन देखिए हमारी वस्तु थी 100 रुपीज की, लेकिन अभी हमने जब 50% और 10% का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू कितनी निकल के आई 45। तो देखिए यहाँ पर हमें कितना नुकसान हुआ 55 का, तो समतुल्य बट्टा कितना आएगा यहाँ पर 55% राइट होगा। बहुत से स्टूडेंट ऑप्शन में आपको ऐसा दिया जाएगा कि 45 दिया जाएगा, 55 दिया जाएगा, 60 दिया जाएगा, 65, तो वहां पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसी 45 को टिक करके कर लेते हैं कि उनका क्वेश्चन सही है। लेकिन यहाँ पर आपको डिफरेंस लेना पड़ता है, 100 में से 45 का डिफरेंस लेंगे तो कितना निकल गया 55। तो यहाँ से आपका जो सही आंसर होगा वो 55% होगा। मैं आपको एक बार बोलता हूँ कि यहाँ पर लास्ट में आपको डिफरेंस लेना है, हालांकि सवाल को आपको इसी तरीके से सोल्व करना है, लेकिन लास्ट में आपको 100 में से 45 माइनस करोगे तो कितना आएगा 55%। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा 55% इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सीता और गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है, मतलब जो प्रेजेंट एज है उसकी वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए 2% है सीता और गीता है, तो देखिए यहाँ पर मैं एज सीता कर लेता हूँ और गीता जी कर लेते हैं। इनका वर्तमान आयु का आपको क्या गिवन है रेशियो है, मतलब आयु का रेशियो आपको पता है 7:1 क्या है यहाँ पर 3 है। नेक्स्ट लाइन में बोला है कि 4 वर्ष बाद, मतलब प्लस का 4 कर लीजिए और कितना रेशो बन रहा है 2:1 का रेशो बन रहा है, तो बस यहाँ पर हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। उसके बाद देखिए इसको सोल्व किस तरीके से करना है, ये सारी चीजें तो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये कि सबसे पहले 2 और 1 का डिफरेंस ले लो, कितना हो जाएगा 1, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए। तो देखिए 3 गुणे में 2 कितना हो जाएगा 6, 7 गुणे में 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7, इन दोनों का भी डिफरेंस ले लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 1। अब देखिए 1/1 मतलब क्या होगा यहाँ पर 1 ही आएगा, 1/1 को कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1, और यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी ना उसका आपको मल्टीप्लाई करना तो क्या हो जाएगा 4, तो वैल्यू क्या निकल के आएगी 4। अब आपको लास्ट में क्या बोला है कि सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, देखिए वर्तमान आयु का रेशियो ये है, सीता की ये है और गीता की ये है, तो सीता का रेशियो कितना गिवन है आपको 7 है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना हो जाएगा 7 गुणे में 4 कितना हो जाएगा 28, ये किसकी आयु निकल के आएगी सीता की। अगर ये लास्ट में पूछता है कि गीता की आयु ज्ञात कीजिए, तो गीता बराबर क्या हो जाता है यहाँ पर 4 गुणे में कितना हो जाता है 3 हो जाता है, क्योंकि रेशियो गीता का कितना है 3 का रेशियो, तो यहाँ पर गीता की आयु कितनी आ जाती है 12 ईयर्स। तो यहाँ से जो भी आपको पूछा जाए, सीता की आयु पूछी जाएगी तो क्या होगी 28 ईयर्स, गीता की पूछी जाएगी तो कितनी हो जाएगी 12 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर क्या होगा कि जो सीता की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी 28 ईयर्स इज राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, मतलब ट्रेन गाड़ी का क्वेश्चन है, ट्रेन प्रॉब्लम्स का कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको सोल्व किस तरीके से करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आप ड्रॉ कर लीजिए, हालांकि एग्जाम में आपको नहीं करना, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अच्छे से बता रहा हूँ कि किस तरीके से करना है। देखिए ये मान लेते हैं कि ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको पता है कितनी है 210 मीटर है, एक लंबी रेलगाड़ी जिसकी स्पीड भी आपको गिवन है कितना है 90 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद क्या बोला है कि चाल से चलते हुए 290 लीटर
मीटर 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म जिसकी लेंथ आपको पता है 290 मीटर को पार करने में कितना समय लेगी। देखिए यहाँ से ये रेलगाड़ी चलना स्टार्ट होगी, अंतिम बिंदु यहाँ पर होगा, तब क्या होगा ये प्लेटफॉर्म पार हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पर 210 मीटर की रेलगाड़ी का अंतिम बिंदु यहाँ पर होगा, तो ये क्या होगा रेलगाड़ी पार कर जाएगी। तो देखिए जब भी कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती, किसी पुल को पार करती, किसी अन्य रेलगाड़ी को पार करती, तो दोनों की लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करती है। तो 290 और 210 इन दोनों को जोड़ोगे तो दूरी कितनी निकल के आएगी आपके यहाँ से, 290 और 210 कितना हो जाएगा 500 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 500 मीटर। अब आपको देखिए यहाँ पर समय ज्ञात करना है, तो समय बराबर फॉर्मूला आपको पता है कि क्या होता है, टी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाता है स्पीड हो जाता है, इतना आपको पता है फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पर आपके पास स्पीड भी है डिस्टेंस भी है, तो समय आप ज्ञात कर सकते हो, लेकिन देखिए यहाँ पर आपको किलोमीटर प्रति घंटे में है और यहाँ पर मीटर में, तो सेम यूनिट बनानी पड़ती है। तो देखिए अगर मैं इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर में चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पर क्या होगा 90 गुणे में कितना हो जाएगा 5/18, क्योंकि यहाँ पर आप छोटी यूनिट में जा रहे हो, तो छोटी यूनिट में जाते तो 5/18, बड़ी यूनिट में जाते तो 18/5, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, देखा 18 से 5 बार और 5 गुणे में 5 कितना हो जाएगा 25, तो यहाँ पर आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। इतना समझ में आया ना आपको, बस यहाँ पर आप समय बराबर रख दीजिए। देखिए डिस्टेंस कितना है यहाँ पर 500 है, डिवाइड में आपको मीटर पर सेकंड में चाल कितनी पड़ती है यहाँ पर 25, तो बस इसको सोल्व करिए, 25 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा 20 सेकंड, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर कि 20 सेकंड में जो है वो रेलगाड़ी उस 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी।